अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको देगी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और यमी देगी बिरयानी, बिल्कुल देग की तरह वाली बिरयानी आज हम बनाएंगे सेला चावलों के साथ। जल्दी जल्दी जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। बहुत शुक्रिया। बिरयानी में जो जो चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। 1 kg के करीब मैंने सेला चावल लिए हैं, इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। 1 kg ही चिकन लिया है मैंने। 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसको मैंने स्लाइस में गोल गोल काट लिया है। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी गोल गोल काट लिया है। 1/2 गड्डी पुदीने के लिए, 1/2 गड्डी हरे धनिए के लिए, 2 टीस्पून भर के मैंने नमक का लिया है, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा पाउडर है, मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 4 टीस्पून मैंने होममेड जो स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला बनाना सिखाया था ये वही मसाला है, वो इसमें शामिल करेंगे। ये 2 अदद तेज़पत्ते लिए हैं मैंने और गरम मसाला साबुत लिया है। इसमें मैंने दालचीनी 2 अदद लिए हैं, 2 अदद बादिया खतान लिए, बड़ी इलायची 1 अदद लिए। भर के कप एक मैंने घी का ले लिया है। आप जितना भी डालना चाहें, आप ऑयल डालना चाहें ऑयल डाल लें, घी डालना चाहें घी डाल लें। 1 कप मैंने दही लिया है, तकरीबन 1/2 kg के करीब दही है। 2 अदद लेमन बारीक स्लाइस में काट लिए मैंने गोल गोल। 6 से 7 अदद हरी मिर्ची हैं। सबसे पहले हम प्याज का मसाला बना लेते हैं चिकन का। एक कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है। इसके अंदर घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, घी गरम हो गया एक आधा, इसके अंदर मैंने प्याज जो मैंने स्लाइस में गोल गोल काट के रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज को हम ब्राउन होने तक इसके अंदर कढ़ाई में रखेंगे। इससे पहले हम चिकन का मसाला बना लेते हैं, जो चिकन हमने इसमें प्याज में डालना है। एक बॉल लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने चिकन डाल देना है। आप चाहें चिकन जितना मर्जी डाल सकते हैं, बिरयानी में ज़्यादा ही चिकन अच्छा लगता है। मैंने सेम ही रखा है चिकन, किलो 1 kg के करीब ही चिकन है, 1 kg ही चावल है। दही हम 1/2 डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ और भुना हुआ जीरा और साबुत धनिया, स्पेशल बिरयानी मसाला भी इसी में शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद के साथ अच्छे तरीके से मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी और इसको 15 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, इसको हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं और प्याज की तरफ जाते हैं। प्याज इस तरह का हमें ब्राउन चाहिए, इस तरह का प्याज हो गया है। अब हम इसके अंदर दूसरे मसाले सारे शामिल करेंगे। टमाटर कटे हुए, चिकन को रखे हुए रेस्ट किए हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर चिकन को और मसाले को शामिल कर देंगे। इसमें अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि अच्छे तरीके से चिकन भी गल जाए और मसाला भी अच्छे तरीके से साथ हो जाए हमारा। अब एक पैन के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि देगी बिरयानी सिखा रही हूँ कि इसको देग की तरह ही बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। ये मेरे पास एक स्टील की पतीली थी, बिल्कुल गोल सी बनी हुई है, ये देग की तरह ही लगती है। और इसमें अब मैंने गर्म मसाला साबुत शामिल कर दिया है। ये गर्म मसाला मैंने साबुत डाल दिया है इसमें। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, जो हमने रखा था पहले, मैंने आपको बताया था वो नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया। पानी को पकने देंगे। देगी बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है और चिकन अभी थोड़ा सा गलना बाकी है, मगर मसाला बहुत ही नाइस और प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये अभी हम इसको
5 मिनट और रखेंगे 10 मिनट, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चावलों की तरफ जाते हैं, पानी पक चुका है, पानी पक रहा है, इसके अंदर मैं अब चावल डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, चावल अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। ये देखें चावल जो हैं हमारे अच्छे तरीके से हो गए हैं और एक कनी पे रह गए हैं, ये देखें। अब हम इसको एक टोकरी में निकाल के पानी ज़ाया कर देंगे। देखें देगी बिरयानी का कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और लेमन शामिल कर दूंगी मैं, इसको मिक्स करूंगी। मसाले ने घी छोड़ दिया है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है। चावल भी हमारे हो चुके हैं, चावलों को मैंने एक टोकरी में निकाल के रखा हुआ है। पतीली के अंदर चावल डाल दिए और हाफ चावल डाले और हाफ चावल अभी रखे हैं। हाफ चावल कोरमे का जो हमने मसाला बनाया है गोश्त का, उसका हम तेल लगाएंगे। बिस्मिल्लाह मसाला हमने डाल दिया है सारा जो हमने बनाया था चिकन का। अब चावल ऊपर से डालेंगे, चावल भी हमने डाल दिए और पुदीना जो हमने काट के रखा था वो, हरा धनिया थोड़ा सा जरदा रंग लिया था मैंने इसको पानी में मैंने डाल के घोल लिया था, वो भी हम ऊपर से डालेंगे। अब हम इसको 10 मिनट का दम लगाएंगे और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए हमारी देगी बिरयानी तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी और यमी। मज़ेदार किस्म की देगी बिरयानी तैयार है हमारी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अस्सलाम।